होटल पापू कुटी की ये कॉरिडोर है, फर्स्ट फ्लोर में हम हैं। रूम नंबर मेरा 206। ओके, तो रूम कुछ इस तरह है। ये डबल बेड रूम है, लेफ्ट साइड में ये वॉशरूम, कॉमन, गीजर शायद नहीं है। गीजर नहीं है ना? नहीं, गीजर तो नहीं दिख रहा है। बेसिन एरिया, बाथरूम काफ़ी बड़ा है। एक ऐसा आलमीरा दिया है, ड्रेसिंग मिरर, यहाँ पे एक मिनी फ्रिज देख रही हूँ, लेकिन शायद ये काम नहीं कर रहा है। अच्छा, इस तरफ बैल्कनी है और बैल्कनी में सीटिंग के लिए चेयर टेबल वगैरह रखा है। नीचे का व्यू ऐसा मिल रहा है जैसे स्विमिंग पूल है। सामने बैठ के शाम को स्नैक्स वगैरह लिया जा सकता है और यहाँ से सी व्यू ऐसा आ रहा है कुछ इस तरह। रूम मुझे थोड़ा गंदा लगा और कॉरिडोर वगैरह थोड़ा गंदा लगा। इसका रेट वगैरह मैं बता दूंगी बाद में कितना पड़ा वन नाइट स्टे का। होटल पप्पू कुटी कोवलम, इसका रिसोर्ट के अंदर ही एक रेस्टोरेंट है, चल के देखते हैं वहाँ। हम अभी रेस्टोरेंट के अंदर ही जा रहा है। मम्मा अंदर से मत आ, खाबी ना तो इमें पेट भर बेगी करे। चल चलो असली वाले में करके दिखाओ, बाहर असली वाले में करके दिखाओ, बाहर जो है।
দেখ বাবলগুলো কত দূর যাচ্ছে। सैलमन कुछ नहीं, सैलमन सैलमन कौन, सैलमन कौन सा है? एंड देन ये एक सौ बीस आधा किलो, वो आठ एट आधा किलो, वो एट हंड्रेड आधा किलो, एट हंड्रेड हाफ किलो, इंक्लूडिंग कुकिंग, दो मोर चार्ज, बहुत टेस्टी है, तंदूरी मसाला ग्रिल मैं जाओ पानी का इतना लो लाएंगे तो क्यों भाई, कंस्ट्रक्शन इतना डट के किए हैं लोग। कितना सुंदर है, वाओ। इधर का बैक वाटर देखो मंडला, राइट साइड उधर भी बैक वाटर आया है ना, बैक वाटर ब्लैक कलर का होता है। अरे समुद्र का पानी घुस जाएगा तो बैक वाटर बन जाता है, अपने घर का पीछे मतलब बैक वाटर। क्या पड़ा है, ज्यादा पड़ा है इस तरह लाविज होटल टोटल में फायदा नहीं। आ जाओ होम स्टे ले लो, अच्छा होम स्टे भी तो लाओ करते हैं, होगा ना तीन नहीं तो होम स्टे में रहो, एक महीने रहो, 15,000 दो, 20,000 दो एक महीने के लिए। करेक्ट करेक्ट, तो अंडा 20,000 भी नहीं लगेगा स्टेइंग के लिए, यहाँ पे नहीं लगेगा, अपना खाने का खाना खुद ही बनाएगा इंसान जब एक महीने के लिए जाएगा तो पूरा। लेकिन एक महीने का